तो सारे प्रोसीजर्स तोड़ के आधी रात को आप मुझे ये बताने आए कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। यस सर। ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? सीबीआई ऑफिसर अभय सिन्हा से सर। अभय सिन्हा इस वक्त कहाँ है? अभय सिन्हा हम उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं सर। जब उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी तब उनके पीछे कुछ लोग पड़े थे, शायद अभय सिन्हा अब जिंदा भी ना हो। तो अपने सीनियर्स को बिना इन्फॉर्म किया मैंने आपको इन्फॉर्म किया? अभय सिन्हा को शक है कि पीएम सिक्योरिटी में ब्रीच है सर, खबर यहीं से बाहर जा रही है, इसीलिए मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। Are you sure? Yes, I'm sure, sir. इतनी बड़ी साजिश बिना इनसाइड इंफॉर्मेशन के पॉसिबल नहीं सर। सुना? तो तुम्हारे ख्याल से मुझे क्या करना चाहिए? आपको आज के अपने सारे प्रोग्राम्स, सारी मीटिंग्स कैंसिल करनी होंगी सर। यंग मैन, भारत का प्रधानमंत्री ऐसी धमकियों से छुपता नहीं। उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए सर, वन क्लियर शॉट। मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? तो आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। श्योर सर, बट जस्ट वन रिक्वेस्ट, मैं सुबह तक और भी इंटेलिजेंस इकट्ठी कर लूंगा, लेकिन तब तक आप ना तो यहां से बाहर जाएंगे और ना ही किसी से अकेले में मिलेंगे। इस वक्त हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ओके, कावेरी से मेरा डायरेक्ट नंबर ले लेना, कीप मी इनफॉर्म्ड। श्योर सर। एंड व्हाट्स योर नेम अगेन प्लीज? वरुण, वरुण अवस्थी, सीनियर फील्ड ऑफिसर एसीडी राव। थैंक यू वरुण। माय जॉब सर। सर मिस्टर पाठक को बुलाओ। बख्शी को भी। आई विल सेंड हिम इन सब सब, पर हमें सबको बताना चाहिए। सबको खबर होनी चाहिए कि हमें खबर है। मिस्टर ऑल्सन, आई वांटेड टू मीट माय जॉय। यू आर गोइंग टू जॉइन मी इन बिजनेस, हां? आई एम गोइंग टू कैच अप विद यू लेटर, ओके? ओह, come on. Congratulations, Dad. Here's to your success. Thank you. Hey, Dad. Hello, beta. Having fun? Yes, Dad. Lots. घर कब आ रही हो? Hello, Dad. I'm a responsible voting citizen of the country. मैं जानता हूँ तुम मोनिका के साथ हो और मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? Dad. बाद में इंडिया वापस आई हूँ, क्या मुझे एक पार्टी भी एंजॉय नहीं करने दोगे? हाँ, ओके बेटा, हैव फन। ये देख के बाय। Sorry, all yours. No, all yours. I insist. Ladies first. Equality का ज़माना है. Gentlemen first. Equality का फंडा तो बहुत पसंद आया. अरे, last one. देखो, it's the last one. हम दोनों बिल्कुल पागल हैं ना? Hey Joy, यहाँ कुछ दिखा दो। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। सब क्लियर? हाँ साहब, फिर कोई मुसीबत क्या? शहर की हवा कैसे? वो तो है साहब,
सुन करके फोन लगाता हूँ मैं आपको। नहीं अदर, इतना टाइम नहीं है, 15 मिनट में अड्डे पे मिलना। ओके सर, डॉक्टर मुस्तफ़ा आ गए। डॉक्टर साहब, आखिरकार आपको वक्त मिलेगी अपने मरीजों से। क्यों बदनाम कर रहे हैं नाथ साहब, हमने दोस्ती में कभी भी किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी। दैट्स ट्रू। एक्सक्यूज मी, सब सही सलामत? ठीक है, इंतजाम हो जाएगा। कोई तकलीफ डॉक्टर साहब? नहीं, बस एक खास मेहमान के लिए इंतजाम करना है। आपके मेहमान का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब आप हमारी तकलीफ का कब इलाज कर रहे हैं? जरा सा सब्र कीजिए, आपकी तकलीफ का इलाज कल शाम तक हो जाएगा। तो कितने साल से छाई हुई आप डेली न्यूज चैनल पे? करीबन 3 साल। और एग्जैक्टली 3 साल पहले हम और आप मिले। अच्छा, कहाँ? डेली न्यूज चैनल के ऑफिस में आपका इंटरव्यू था और आपने किसी से पेन बोरो किया था। अच्छी बात है, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरा वो पेन आपके पास रह गया और आपका ये चेहरा मेरे पास। Excuse me? उसी दिन से मैंने दिन रात एक कर दिया, अपना खुद का न्यूज चैनल बनाने के चक्कर में। ओ, आपका खुद का चैनल है? जी हाँ, और उसकी इंस्पिरेशन आप हैं। चैनल अगले महीने लॉन्च होने जा रहा है कनाडा में, अ टीवी चैनल फॉर ग्लोबल इंडिया। दैट्स वंडरफुल। थैंक यू। और मैं चाहता हूं कि मेरे इस चैनल की पहचान आप बने। मिस्टर जावेद दुर्रानी, आप दुबई बेस्ड एन आर आई बिजनेसमैन हैं? जी। तो आप ये कंप्यूटर हार्डवेयर कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? मैंने पूछा कंप्यूटर हार्डवेयर कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? इंडिया से। अच्छा, और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है? एक ही सवाल का जवाब मैं कब तक देता रहूंगा? आपसे जितनी दफा सवाल किया जाएगा जवाब आप उतनी दफा देंगे। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? ये मैं आपको आगे बताता हूं। आपका नाम? वरुण, अभय का सिग्नल अभी तक आ रहा है, सेल फोन खुद में है, मैं घर जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने। आसिफ, हम रिस्क नहीं ले सकते। अरे यार, साली की शादी है, तलाक करवाओगे क्या? अभय सिन्हा की जान खतरे में। ओके ठीक है, मैं पहुंच के फोन करता हूँ। अभय सिन्हा, राव। हाँ, ये आसिफ कहाँ गया? आसिफ घर गया होगा, उसकी साली की शादी है, सुबह की ट्रेन से लखनऊ जा रहा है। यू नो वरुण, बिच्छू आ गया। वरुण कहाँ है? Where the hell is वरुण? सर, वो चेक पोस्ट ब्लास्ट का वीडियो एनालिसिस। इनका इन माय ऑफिस नाउ। लेकिन सर वो एनालिसिस लेटर लेटर। इनका बिच्छू। सर, चेक पोस्ट ब्लास्ट की फाइल रिपोर्ट। फॉरगेट दैट। वरुण कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? What do you mean? तुम्हें नहीं मालूम तो किसे मालूम होगा? You are in charge here. In charge, sure. पर वरुण अपनी गट फीलिंग को छोड़ के किसी और की सुनता है क्या? Anyway, सब प्रॉब्लम क्या है? वो वरुण प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच गया, मुझे भी ना बताए। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो मुझे भी नहीं पता। वो इस वक्त पीएम से क्यों मिलने गया? एटलीस्ट टेल मी, उसे यहां से बैकअप कौन दे रहा है? बेहतर यही होगा कि आपकी हालत की भनक किसी को ना पड़े।
रजा, उस्मान बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है? जफर भाई से बात करना है। जफर भाई इस वक्त बात नहीं कर सकते, जो भी कहना है मुझसे कहो, एक ही बात है, अब मैं ही सब संभाल रहा हूँ। उस्मान भाई, मुझे सिर्फ ये खबर देनी थी कि हिंदुस्तान में दोस्तों ने सारे इंतजाम कर दिए हैं, आप बिल्कुल फिक्र न करें। और कोई हुक्म? कंप्यूटर्स, स्कैनर्स, इन सब की लिस्ट भेज रहा हूँ, जल्द से जल्द इन सब चीजों का इंतजाम करो फौरन। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वरुण अवस्थी एक बहुत अच्छा ऑफिसर रहा है, है तो आर्मी से पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है। कुछ साल पहले तक अफगानिस्तान में था। अफगानिस्तान? यस सर, अंडरकवर टेररिस्ट कैंप में। उसी की भेजी इंटेलिजेंस से हमें पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स की एग्जैक्ट लोकेशंस का पता चला। बाद में जब 2001 में 11 सितंबर के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो उसे वापस बुला लिया गया। आजकल एसीटी में सीनियर फील्ड ऑफिसर है। ट्रैक रिकॉर्ड तो इंटरेस्टिंग है। यस सर, मगर रिसेंटली कुछ कुछ क्या? नहीं, नथिंग सीरियस, बट उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। शायद उसका डिवोर्स होने वाला है, अब इसे काम पर तो असर हो ही जाता है। आपका कहने का मतलब है कि मैं इस वार्निंग को सीरियसली ना लूं? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। वैसे भी आज 11 सितंबर है, हमें होशियार तो रहना ही पड़ेगा। मैं एसपीजी को अलर्ट कर देता हूँ। वरुण को शक है कि पीएम सिक्योरिटी में ब्रीच हुई है। मेरी डेली रूटीन और सिक्योरिटी मूवमेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ किस किस को? मुझे, कावेरी को, मिस्टर पाठक और मिस्टर विश्वास। आपको हम में से किसी पे शक है? अगर ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है मिस्टर पक्षी, तो ये बाहर गई कैसे? आई रियली डोंट नो सर, आई विल ट्राई। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ इस वक्त, राइट नाउ। यू नो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आप मुझे ढूंढते हुए ऑल द वे यहाँ तक आ गए। वेल, जो सच है सो सच है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। आप ऐसे क्या देख रही हैं? अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ तो why me? मैं तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी टीवी जर्नलिस्ट हूँ। ऑर्डिनरी तो आप बिल्कुल नहीं है। अब आप में क्या खास है ये बताने में तो सारी रात गुजर जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उतना वक्त मेरे पास है नहीं। नीचे चलो। Yeah, sure. आप ठीक? Thanks. मुझे भी अब निकलना चाहिए। क्योंकि पहले ओबरॉय जाना है, उसके बाद एयरपोर्ट और वहाँ से एक लंबी फ्लाइट से कनाडा। एक्चुअली निकलना तो मुझे भी चाहिए, बिकॉज कल मेरी अर्ली मॉर्निंग असाइनमेंट है। बॉस को अवार्ड मिल रहा है, वो भी पीएम के हाथों। कल की टॉप स्टोरी। सविता जी, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। सविता जी से दो मिनट दीजिए। सविता जी नमस्ते। नमस्ते। इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद आपने वक्त निकाला, आई एम रियली ऑनर्ड। तो आपको भी पता चल गया कि दिल्ली का मौसम आज कुछ ज्यादा गर्म है। Well, this is the season for heat waves, but it's not something that can't be handled. क्या इस सिलसिले में हम कुछ बातें कर सकते हैं? जरूर, आइए। नहीं पक रहा है साहब, काफी तैयारियां हो रही हैं। बड़ा ठेका उठाया करोड़ों का, कोई फिरंगी तमंचेबाज का भी जिक्र चल रहा है। लगता है कोई बड़ा मुर्गा हलाल होगा, पर गड़बड़ कौन कर रहा है ये कुछ पता नहीं चल पा रहा। दिल्ली में गड़बड़ हो और तुझे खबर ना हो? सब वक्त की करवट है साहब। वो जमाना और था जब गड़बड़ शुरू ही हमसे होती थी। अब तो काफी नए खिलाड़ी आ गए हैं इस खेल में, बहुत कॉम्पिटिशन हो गया है। लगता है तेरे रिटायर होने का टाइम आ गया। चलो सर, कला के हिसाब कर लेना।
वरुण साहब मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। दो मिनट दे। अगर खून होने वाला है तो कहीं ना कहीं बंदूक भी तो होगी। हेलो राम जी। राम राम। कौन? अमा खल्लू, अपने बाप की आवाज नहीं पहचानते? अरे हैदर भाई। अच्छा एक बात बताओ, मालवाल है, कैश पार्टी है अपने साथ? दुकान खुला है, संभाल के आना बस। हाँ ठीक है ठीक है, बस अपना वो 5% याद रखना, हम अभी पहुंचते हैं। क्या करूंगी मैं तुम्हारे साथ, बिल्कुल ही नाम तक नहीं पूछ सकती थी क्या? चांस ही नहीं मिला, जब तक पूछती किसी ने उसे बुला ले। And he just took off. Hey babe. Meet my कद्दू पद्दू Alex. Alex Anu. Hi. Hello again, Ice Girl. Oh, so you're the Ice Man. Yes, I am. Ah. Okay, everybody, this is Anu, मेरी मासी की बेटी, the New York babe. Hi. Hi. Or Ice? No thanks, I'm done for today. Thank you. मेरा नाम Joy by the way. Tantan. This round is for the New York babe. Yeah. Sorry, मैं अल्कोहल नहीं पीती। What? Just trying to lose weight. You're kidding me. Trying to lose weight? मेरे लिए एक सिप, please. Mons? चलो कोई तो है जो मुझे कंपनी देगा। Orange juice? Thank you. Hey Joy, now don't be a kill Joy, हाँ? अरे यार तुम लोग भी। मैं आपको proposal कहाँ email करूँ? मैंने आपको अपना खाता दिया, right? Oh yeah. roma@dailynewstv.com. एक नए जॉब का ऑफर ऑफिशियल ईमेल पर, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा? हाँ एक्चुअली मैंने तो सोचा ही नहीं। मैं आपको अपना पर्सनल आईडी देती हूँ। कहते हैं किसी की हैंडराइटिंग देखकर उस शख्स के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छा तो क्या कहती है मेरी हैंडराइटिंग? वेल यू आर डिसाइसिव, कॉन्फिडेंट एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मैंने आपकी हैंडराइटिंग तो देखी नहीं, बट आई कैन डेफिनेटली से कि आप कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा देते हैं। चलिए पहुंचते ही आपको ईमेल कर दूंगा, ठीक है? ओके एंड ये पेन आप जरूर रखिए, बिकॉज़ देन दैट विल मेक अस इवन। ऑलराइट। ओके एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक यू। बाय बाय। बाय। हेलो रोमा। रोमा मैम। लिसन वरुण, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। रोमा सुनो तो सही, इस कैनेडा वाले आदमी से तुम दूरी रहो। आई एम गेटिंग बैड वाइब्स। क्या हुआ? अरे गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है। Let me try. Mechanic bulana padega. Oh gosh, abhi pichle hafte to maine iski servicing karayi thi. I don't know what the problem. Machine hai, you can never say. Aap aisa kijiye, gaadi lock kar dijiye, main aapko drop kar deta hu. Arey nahi, main taxi le lungi. Bahut raat ho chuki hai. I insist. No, but what about your flight? अभी टाइम है, चलिए कम ऑन। Are you sure? Please come. जमाली कमाली के पास लेके आओ। या
अबे मैं वहां से अबे एम्बुलेंस आ रही है अभी कम ऑन टॉक टू मी अबे 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 आंखें खोलो अबे एम्बुलेंस आ गई स्ट्रेचर लेके आओ अबे हे गाइस लिसन टू दिस एक भूत ने दूसरे भूत से क्या कहा क्या ये आदमी आदमी कुछ नहीं होते बस कहने की बातें क्या हुआ ओ तुम्हारे बुलडॉग है क्या और कोई काम है ही नहीं है बस मेरे पीछे पीछे घूमते वही तो जॉब है उनकी आप एक सेकंड बाहर आ जाओ कोर्स इज क्लियर ओह गॉश I'm just so fed up of all this. Thank God मैं न्यूयॉर्क वापस जा रही हूँ. At least इनसे तो पीछा छूट जाएगा. हाँ, it's such a cheap trick. अपने साथ सिक्योरिटी रखो तो लोगों को बताओ कि हमारे पास पैसा है. बीच में तो डैड को भी शौक हो गया था. सिक्योरिटी कंसर्न है. मैंने बताया डैड आप पीएम थोड़ी ना है कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न है. मैं तो वो भी नहीं कह सकती. क्यों? मेरे डैड पीएम जो है. क्या? तुम्हारे डैड पीएम? तुम्हारे डैड पीएम? या. थैंक यू. उसका मतलब अगर मैं तुम्हें ऐसे टच करूंगा तो तुम्हारे बुलडॉग मुझे उड़ा देंगे कम ऑन इट्स नॉट दैट बैड हां हे गाइस मेरी सुंदर चिपकली ने डिसाइड किया है कि किस पारी सा हम लोग अपनी खुद की पारी करते हैं यार जॉय तेरे डैड के फार्म हाउस चलते हैं यार साउंड्स गुड टू मी चल रहा है आजकल गोली यू निकलती है यू गजब का चीज है कल ही निकाला किसने खरीद ली खरीदी किसने हाँ पर किसने किसने लिया तुमसे क्या मतलब हमने पूछा है तुम्हारे बारे में कुछ ए राम जी गोड्डे के नीचे रह के बात कर पार्टी से ऐसे बात करी जाती है वरुण अबे की हालत बहुत खराब है व्हाट नो आसिफ अबे को कुछ नहीं होना चाहिए मुझे वो जिंदा चाहिए आई वांट माय लाइफ टू अंडरस्टैंड डोंट बी मैं कोशिश करता हूं हैदर राम जी नहीं तेरे राम जी
देश की ट्रेजेडी ही है कि कोई आदमी कुछ अच्छा करना चाहता है तो सब लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। कितने सालों के बाद इंडिया को ऐसा पीएम मिला है जो कि हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर नाथ। अगर पीएम साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो देश का बहुत नुकसान। आप चाहे तो ये समस्या सुलझ सकती है। मैं तो खाली बिजनेस मैन हूँ सविता जी, पॉलिटिक्स मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तो जस्ट हैव टू आस्क मी। मुझे नहीं मालूम सर। शट अप, झूठ मत बोलो। कौन से लीड पर काम कर रहा है वरुण? फॉर गॉड सेक टीना, ये रोना बंद करो। व्हाट इज दिस मैन का? ये है स्टाफ एसीटी का? ऐसे लोग टेररिस्ट से लड़ेंगे? ये रोना बंद करो एंड जस्ट टेल मी, वरुण के पास क्या इंफॉर्मेशन है? I don't know, sir. सर, फाइल नहीं खुल सकती, ब्लैक होल में गई और पासवर्ड सिर्फ वरुण को पता है। That's it. Enough. Get out. Enough of this indiscipline. बहुत हो गया। टीना, या तो ये बता दो वरुण पीएम से क्यों मिलने गया है, और else I'll have to take strict action against you. Yes. मिस्टर बिस्वास, कावेरी पीएमओ सर। यस सर, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है अभी। अभी पीएम इज वेटिंग सर। मैं पहुंचता हूं। ब्लडी हेल वरुण, ये किस्सा यहां खत्म नहीं होगा। यू गॉट मी? मेनका, सबको फील्ड से पुल बैक करो। आई वांट अ मीटिंग हियर एट एसीटी इन 1 आवर, राइट? वरुण इंक्लूडेड। यस मिस्टर बिस्वास। Thank you so much, Mr. Sejpal. अगर आपकी फ्लाइट नहीं होती तो मैं आपको कॉफी के लिए जरूर आऊंगा। चलिए, आपकी कॉफी क्यों नहीं? एनी टाइम, जब भी आप दिल्ली में हो या फिर मैं कनाडा में हूँ। ओह माय गॉड, खून निकल रहा है। आप जरा आओ मेरे साथ अंदर, मैं आइस लगा के। अरे छोटी सी चोट है, आप चोट है। आप क्यों हीरो बन रहे हो सेजपाल? जस्ट कम विद मी, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। जस्ट कम प्लीज। हमका नहीं मालूम। अरे राम जी, नखरे मत कर, तू जानता नहीं है कौन है। मरेगा तू और साथ में तू भी। अम्मा बोलो यार, शर्मा। कौन? शर्मा। कौन शर्मा? मैं जानता हूँ सर, सारे बड़े ठेके वही उठाता है। अभी वो लकी क्लब में मिलेगा, चलिए वहीं चलते हैं। मुंह मत खोलना, दिल्ली की सड़कों पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, समझा? क्या सीन है, तुम आ रही हो कि नहीं? पता नहीं। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम्हें नहीं आना तो इट्स कूल, पर अगर तुम मुझे पूछो तो तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि
आई मीन तुम्हें फार्म हाउस दिखाना है ना. इट्स अ रियली नाइस प्लेस, ट्रस्ट मी. आई नो, आई विश आई कुड, बट देन तुम्हारे बुलडॉग्स. अब इनका क्या करें. गुड नाइट फ्री. हे बाय, सुबह मिलती हूँ. ओके सुनो, मम्मी से कुछ मत बोलना ठीक है. क्या बहाना बनाना है मैं कल बताती हूँ. ओके यू टेक केयर. बाय बाय. बाय अनु, नाइस सीइंग यू. बाय, सेम हियर. गुड, आ रहा है ना. हाँ बाहर मिलता हूँ. चल, यू श्योर? या. ओके सॉरी. Yes, Dad. अनु कहाँ? यही पर हूँ Dad. For heaven's sake, बेटा, time देखा है तुमने? तुम अभी घर आओ. घर आ जाओ अभी. Dad, stop babysitting me. I'm not a kid. बेटा कुछ security concerns हैं इसलिए कह रहा हूँ. I'm just fed up. I'm fed up of this security. आप मुझे एक normal सी life जीने क्यों नहीं देते Dad? अच्छा ये बहस हम लोग घर पे भी कर सकते हैं ना? I wanted to leave now. No, no, I won't, Dad. अनु मैं तुमसे कुछ कहता नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे. कोई खास वजह है अनु, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम बैक होम. होगी डैड, बट मैं घर नहीं आ रही. ओके एंड प्लीज डोंट कॉल मी अगेन. बाय. एसीडी मेन का माथुर. मैंने कहा आसिफ, एक सीबीआई ऑफिसर गोली लग गई है, मैं उसे सरताज हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ. किसी को भेजो वहां मुझे रिलीफ कराओ यार. आसिफ तुम सीधे एसीटी आओ. डैम इट, मैं छुट्टी पर हूं. विश्वास की ब्रीफिंग है आसिफ. बिच्छू के काटने के टाइमिंग का भी कमाल है यार. कहां फंस गया मैं. हॉस्पिटल तो भेजो किसी को. वरुण कह रहा है कि सीबीआई ऑफिसर को बिना प्रोटेक्शन के हम छोड़ नहीं सकते ऐसे. मैंने कहा प्लीज यार. फाइन, मैं अमन को भेज रही हूं, लेकिन तुम सीधे एसीटी आओ. ऑलराइट, भेजो अमन को. टीना, एक्स्ट्रा यूएसबी कॉर्ड है? टेक रूम में है. आकर जरा ढूंढ कर दो ना. प्लीज. कुछ नहीं के बारे में कुछ बता दो. मैं सुबह से देख रहा हूं, ना हंस रही हो ना ठीक से बात कर रही हो. प्रॉब्लम क्या है टीना? मुझे भी नहीं बताओगी टीना? प्लीज अमन, मैं डॉक्टर के पास गई थी. Oh my God. टीना तुम? अभी कुछ नहीं पता. डॉक्टर ने क्या कहा? ये कॉर्ड ढूंढ रहे थे तुम? हाँ ये, थैंक्स. अमन, सरताज हॉस्पिटल जाके आसिफ को रिलीव करो. ओके. यू ओके टीना? आई एम फाइन थैंक्स. गुड, फिर थोड़ा काम भी हो जाए. आगे हिंदुस्तानी आर्मी चेक पोस्ट है, क्या करना है? चलते चलो. जी स्टॉप स्टॉप स्टॉप. अब्दुल चलते जाओ. ठीक है, मैं आगे मिलता हूं. आगे बढ़ो, चलो चलो. कहाँ से
आ रहे हो? कहाँ जाना है? श्रीनगर जा रहे हैं सर। क्यों? वो शाहबजादे के निकाह के लिए जा रहे हैं सर। कागज दिखाओ गाड़ी के। दिखाओ भाई कागज। यू नीचे तो